दोस्तों आज के इस वीडियो में आई विल बी टीचिंग यू तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसके साथ आप अपने आईफोन से प्रोफेशनल लेवल की फोटोज खींच पाएंगे। अपने फोन से ऐसी फोटोज खींचने के बजाय यू विल बी एबल टू शूट प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज लाइक दीज, और ये वीडियो देखने के बाद आप भी हो जाएंगे प्रो। दोस्तों वेलकम बैक, आई एम प्रवीण भट्ट, आई एम ए सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। और मेरे आईफोन वाले वीडियोस के बाद काफी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर हम अपने आईफोन से किस तरह से प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज खींच सकते हैं। ये सारी चीज आप इस वीडियो में सीखने वाले, और अलॉन्ग विद दैट मैं आपको मेरा फेवरेट कलर प्रीसेट जो है उसकी सारी सेटिंग्स आपको दिखाने वाला हूं, और मेरे फेवरेट एडिटिंग टूल्स कौन से हैं जो मैं यूज करता हूं अपने आईफोन में अपनी पिक्चर्स के लिए, वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अगर आपके पास iPhone 12 Pro या उसके ऊपर का मॉडल है, ये सारी सेटिंग्स आपके लिए काम में आने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स सिखाने वाला हूं विच विल हेल्प यू टेक बेटर फोटोज फ्रॉम योर iPhone। सो सबसे पहले चलते हैं एसेंशियल कैमरा सेटिंग्स पे। फोटोशूट करने से पहले वी नीड टू गेट हमारे फोन की सेटिंग्स एकदम सही, एकदम राइट। सो अगर आपकी सेटिंग्स ठीक नहीं है तो फोटोज बिल्कुल भी ठीक नहीं आएंगी, और ये एक मेजर चीज है जो लोग नहीं करते अपना न्यू आईफोन लेने के बाद। सो फटाफट अपनी सेटिंग्स खोल लो एंड गो टू कैमरा। नाउ यू गो टू फॉर्मेट और कैमरा कैप्चर को हाई एफिशिएंसी पे सेट कर लो। नीचे प्रोरेस ऑप्शन को ऑन कर लो, ये आपको क्विक एक्सेस दे देगा ऑफ दिस बटन ऑन योर स्क्रीन। फोटो खींचते हुए आई प्रेफर कि मैं इसको 48 मेगापिक्सल पे सेट रखूं फॉर माई रॉ फाइल्स, और इसको करने से आप हाईएस्ट लेवल की फोटो क्वालिटी अचीव कर सकते हो अपने आईफोन से। और साथ ही में जब आप इसको जूम करोगे, जूम करके क्रॉप करोगे, आपकी जो इमेज है उसकी जो क्वालिटी है वो लूज नहीं होगी। नीचे की ओर यू हैव दिस एप्पल प्रोरेस का बटन जिसको आप ऑफ ही रखो, ये काफी स्पेस ले लेता है। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो अपने आईफोन से बहुत ज्यादा वीडियो शूट करता है, आपको रॉ वीडियो शूट करना पसंद है, बाद में उसको एडिट कलर ग्रेड करना पसंद है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। मेन कैमरा सेटिंग्स में जाके आई प्रेफर के वीडियो को मैं 4K 30 पे शूट करूं, और वीडियो के लिए जो नीचे HDR का ऑप्शन है इसको आप ऑफ कर दो। ये काफी वियर्ड लगता है और अननेसेसरी आपके वीडियोस में वो कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा हाई कर देता है। फिर चलते हैं आप प्रिजर्व सेटिंग पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मेन्यू आपको देता है और भी ज्यादा कंट्रोल ऑन हाउ यू शूट, और जब आप अपने कैमरा ऐप को बंद करते हो दोस्तों तो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी सेटिंग्स जो आपने करी होती है उसको रीसेट कर देता है। बट यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद ये सारी सेटिंग्स आपकी प्रिजर्व कर लेगा, जिससे आपको बार बार कैमरा ऐप में सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी। कुछ सेटिंग्स लोग अपने हिसाब से रखते हैं, आप यहाँ पे मेरी सेटिंग्स देख सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पे रखी है कैमरा के लिए यू कैन आराम से कॉपी दी सेटिंग्स अपने फोन पे, इसको चेंज कर लो। मुझे पर्सनली क्रिएटिव कंट्रोल्स की बात करें, नाइट मोड की बात करें, एक्सपोजर, ये सभी को ऑन रखना पसंद है। अब फटाफट अपने कैमरा की ग्रिड लाइन को आप ऑन कर लो, इससे आप जो फोटोज हैं उसमें आप बेटर कंपोजिशन ले पाएंगे। इसको ऑन करने से जैसे ही आप कैमरा ऐप खोलेंगे यहाँ पे यू विल सी 3x3 लाइंस ऑन द कैमरा स्क्रीन, और आई एम श्योर रूल ऑफ थर्ड के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये ग्रिड आपको गाइड करेगा इन बेटर कंपोजिशन। अब इसके बाद गाइज हम चलते हैं फोटोग्राफी स्टाइल में, एंड यहाँ पे आई प्रेफर कीपिंग इन रिच कॉन्ट्रास्ट में, इसको अराउंड 40% वाला जो है मुझे पसंद है, और मेरे हिसाब से दिस मेक्स एवरीथिंग लुक्स बेटर, कॉन्ट्रास्ट और सारी चीजें ना एक प्रोपोर्शन में अच्छी नजर आती है ये वाले फिल्टर पे। तो दोस्तों ये थी सारी मेजर सेटिंग्स जो आई एम श्योर आप लोगों ने सेट कर ली होगी। अगले पॉइंट पे जाने से पहले मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ फोटोग्राफी कोर्स के लिए DM या क्वेश्चंस भेजते रहते हैं YouTube पे, सो प्रवीण भट्ट फोटोग्राफी एकेडमी में सभी फोटोग्राफी के कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो मोबाइल फोटोग्राफी हो, आपकी नॉर्मल फोटोग्राफी हो, फैशन हो, प्रोडक्ट हो। सारी कोर्सेज की डिटेल्स के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कॉल करके सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक प्रो की तरह शूट करें। एक्सपोजर एंड कंपोजिशन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है दोस्तों, इफ यू वांट योर फोटोज टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल। मेजरली आपका फोन सारी सेटिंग्स खुद ही कर लेता है, जैसे कि अपर्चर हो, ISO, शटर स्पीड हो, बट क्या आपको पता है कि आप अपने आईफोन में एक्सपोजर खुद ही एडजस्ट कर सकते हो। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही आप कैमरा ऐप खोलते हो एकदम पॉइंट करते हो शूट करने के लिए, सारी चीजें अपने आप ही बढ़िया से नजर आने लगती है, क्योंकि आईफोन इतना ज्यादा केपेबल है इन सब चीजों के लिए। यहाँ पे मेन चीज जो मैं यूज करता हूँ अपनी फोटोज को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए वो है एक्सपोजर। एक क्विक लेसन मैं आपको एक्सपोजर पे दे देता हूँ कि एक अच्छा एक्सपोजर कैन मेक और ब्रेक योर शॉट। हर फ्रेम में दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक ब्राइट पार्ट होता है दोस्तों और दूसरा होता है डार्क पार्ट, और हम फोटोग्राफर्स इसको हाईलाइट और शेडोज कहते हैं। शूट करते हुए फोटोग्राफर माइंड में ये हमेशा रखता है कि भाई जो मेरे हाईलाइट्स हैं वो राइटली एक्सपोज्ड हैं और जो शेडोज हैं वो डार्क हैं। वो ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर हैं या बहुत ही ज्यादा डार्क, नॉर्मल जो डार्क लग रहा है वो दिखना बहुत जरूरी है। बट आपने नोट
क्या होगा कि आपका आईफोन जैसे आप क्लिक करने जाते हो तो पूरी ही स्क्रीन को वो ब्राइट कर देता है और शेडोज भी एक्सपोज कर देता है। और होता क्या है कि शेडोज एक्सपोज हो जाने के बाद आपकी हाइलाइट्स आर ब्लोन आउट, जिससे जो शूट है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट जो है वो लूज कर जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने टैप करना है ऑन द सब्जेक्ट और स्लाइडर को ऊपर या नीचे करके आप अपना जो एक्सपोजर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे एक प्रो फोटोग्राफर करता है। मेक श्योर कि शेडोज को आप डार्क साइड में ही रखें और हाइलाइट्स को प्रॉपरली एक्सपोज होने दें। देखो शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, सही एक्सपोजर करने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन वंस यू आर डन, आप जब ये प्रो हो जाओगे ना इसके अंदर, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और पता है कि अगर आपको लगता है कि शेडोज ज्यादा है, डार्क हो रही है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल पे हम जो ये रॉ फोटोज खींच रहे हैं इनको हम इजीली एडिट पे सारी चीजें रिकवर कर सकते हैं। एक और तरीका इसको करने का ये है कि ऊपर दिए हुए एरो साइन को आप जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस का ऑप्शन है, ये साइन है, और इसको क्लिक करते ही आपके सामने ये स्केल बन जाएगा जिसको आप राइट या लेफ्ट करके अपना एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। अब मैं नॉर्मली अपनी शॉट्स लेते टाइम पे -0.3 या 0.7 पे इसको रखता हूं, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड सिनेरियो। तो अगर आपने अपनी प्रिजर्व सेटिंग्स को ऑन रखा हुआ जो हमने पहले पार्ट में भी सीखा है, तो हमेशा उसी सेटिंग पे आपका फोन खुलेगा जिस सिचुएशन में आप होंगे, तो विच इज गोना बी एन एक्स्ट्रा हैंड और ये टाइम वेस्ट नहीं होगा शूट करने के टाइम पे। अब बात करें नाइट शॉट्स की, लो लाइट फोटोग्राफी की, जहां पे अंधेरा है वहां पे आपने एक्सपोजर को -2 या -1.7 तक लेके जाना, ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन इज हाउ यू टेक योर शॉट्स। दोस्तों हर फ्रेम में काफी एलिमेंट्स होते हैं और आपका काम है कि सभी एलिमेंट्स को अच्छे से दिखाना एज अ फोटोग्राफर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका रूल ऑफ थर्ड्स, जिसके लिए हमने स्टार्टिंग में ही अपनी ग्रिड लाइंस जो हैं उनको ऑन किया था, और इसका मेन पर्पस है गाइस टू कीप योर सब्जेक्ट इन लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द फ्रेम। आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी ग्रिड लाइंस हैं सब्जेक्ट को आपने वहां पे अलाइन करना है जहां पे ये दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। और अब लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एडिटिंग एप्स की, जो मैं यूज करता हूं अपने फोन में अपनी फोटोज को कुछ इस तरह से इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे डालने के लिए। सभी फोटोग्राफर्स का अपना एक एडिटिंग स्टाइल होता है दोस्तों, और मैं आपको अपने मेरे फेवरेट प्रीसेट जो है उनकी सेटिंग्स आपको भी बताऊंगा। आप ये यहां पे पूरे स्क्रीन पे देखेंगे कि कैसे हाइलाइट्स और कैसे चीजें चेंज करके मैंने फोटो को इस तरह से एडिट किया। मेरे फोन में जो दो मेजर ऐप मैं हमेशा अपनी फोटो एडिटिंग के लिए रखता हूं वो है आपका लाइटरूम मोबाइल, और दूसरा है स्नैपसीड। और आप इन ऐप से जो मन चाहे जैसी एडिटिंग चाहे, आपको ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने हैं, आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, कलर्स, जितनी भी चीजें आपको प्ले अराउंड करनी है, आप इन सब को इन दो ऐप की मदद से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो इन दो ऐप्स के ऊपर लेके आऊं, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी ही उस पर वीडियो लेके आऊंगा। बट मेजरली बहुत आसान है, स्नैपसीड पे भी जैसे आपने फोटो डाली, आप जैसे ही फोटो के बीच पे टैप करते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि कैसे ऊपर नीचे अगर मैं स्क्रीन पे अपनी फिंगर्स मूव करता हूं तो यहां पे हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, और आप स्क्रीन पे राइट टू लेफ्ट, पहले हम ऊपर नीचे जा रहे थे सिलेक्ट करने के लिए कि आपको क्या लेना है, और अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो प्लस या माइनस की तरफ आप कर सकते हैं, और नीचे की ओर ये जितने भी मेन्यू ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पे आप जाके अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हैं। मुझे यार ये हीलिंग वाला टैब जो है बहुत पसंद है। हीलिंग पे कई बार ऐसा होता ना कि बहुत फोटोज में आपकी चीजें आ जाती है जो अनवांटेड है, जो खराब लग रही है, तो हीलिंग से आप आराम से एक सिंपल टच से भी चीजें गायब कर सकते हैं, फोटो को और भी ज्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। सो अब आपको मिल गई है सारी नॉलेज हाउ टू शूट प्रो लेवल फोटोज विद योर आईफोन। ये टिप्स यूज करके अब आप भी अच्छी इमेजेस खींच कर पाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो टैग मी, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है प्रवीण भट्ट, अगर आप अपनी फोटोज डालते हैं मेरे को टैग करते हैं, आई मेक श्योर कि मैं सारे टैग्स चेक करता हूं, सारे अपने कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो अगर आप इन टिप्स को सीख के फोटोज डाल रहे हैं प्लीज मुझे टैग करना, आई वुड लव टू कम टू योर पेज, एनालाइज योर फोटोज, उस पर कॉमेंट करूंगा, सो जरूर ये करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, फटाफट गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बाय बाय।